नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ मैं ज्योति वर्मा, खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने दो शातिर नकली नोट बनाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन बदमाशों को पुलिस ने 2,90,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। थाना कोतवाली बिहार के थाना क्षेत्र का रहने वाला, दूसरा नदीना का रहने वाला। इसमें जो मुख्य बात है, ये दोनों ही पहले भी नकली नोटों के धंधे में जेल जा चुके हैं और इनके गैंगस्टर भी लग चुका है, NSA भी लग चुका है। इनमें से एक जो लईक है, वो रुड़की से भी नकली नोटों के कारोबार में जा चुका है जेल में। और आपने जो देखी क्वालिटी है, बिल्कुल ही हूबहू 200, 500 और 2,000 के नोट उन्होंने बनाए हैं, 100 के भी नोट उन्होंने बनाए हैं, वो बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह है। और इनका ये भी कहना है कि 4,00,000 रुपये के करीब जो इस बार उन्होंने काम शुरू किया, उसमें 4,00,000 रुपये ये चला चुके हैं। और ये 25,000 में 1,00,000 रुपये के नोट देते थे, तो जिनको इन्होंने जो ये बेचने का काम करता था, साउ जमा और लईक बनाता था। अभी तक इन पर जो आपराधिक इतिहास मिले हैं, सब पे दोनों पे 5-5, 6-6 मुकदमे हैं। और इसमें से एक लूट में भी जा चुका है, मर्डर में जा चुका है और उसके NSA भी लग चुका है। ये थी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शारिक जैदी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी।